अपनी जान खतरे में डालकर सर्प मित्र न सिर्फ सांप को पकड़ते हैं बल्कि सांपों को लेकर लोगों के दिलों में बैठे डर को भी दूर करते हैं। जोखिम भरे इस काम को अंजाम देने वाले सर्प मित्रों के लिए सरकार और वन विभाग के पास ना तो कोई योजना है और ना ही आर्थिक मदद का कोई प्रावधान। पेश है दिग्रज संवाददाता जुबैर खान की स्पेशल रिपोर्ट। ये नजीर खान है, पेशे से मजदूर नजीर एक कुशल सर्प मित्र है जो लगभग 10 सालों से सांपों को पकड़कर उन्हें जीवन दान देने का काम कर रहे हैं। मंगलवार को आर्नी रोड पर एक घर में धामन प्रजाति का सांप होने की जानकारी मिली और नजीर ने वहां पहुंचकर धामन सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ा, जिसके बाद आस पड़ोस के लोग और उस घर के सदस्यों ने राहत की सांस ली। इसके बाद नजीर ने सांप को न सिर्फ वन विभाग कार्यालय के सुपुर्द किया बल्कि वन कर्मी के साथ उसे जंगल ले जाकर छोड़ दिया। बहरहाल कहने का तात्पर्य ये है कि नजीर जैसे कई सर्प मित्र हैं जो इस जोखिम भरे काम को अंजाम दे रहे हैं। देखा ये गया है कि बस्तियों और रिहायशी इलाकों में कई बार जहरीले सांप भी निकल कर आते हैं, जिन्हें सुरक्षित तरीके से पकड़ना बड़े साहस की बात होती है। फिर भी सर्प मित्र अपनी जान जोखिम में डालकर इंसानों और सांपों को जीवन दान देते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि वन्य जीवों की सुरक्षा को निश्चित कर उन्हें संरक्षित करने के लिए सरकार और वन विभाग कायदे से प्रतिबद्ध है, लेकिन सांपों और अन्य जीवों को जीवन दान देने वाले सर्प मित्रों और प्राणी मित्रों को देने के लिए सरकार के पास न तो योजनाएं हैं और न ही किसी तरह की आर्थिक मदद का कोई प्रावधान है। ये धामन जे कोणते इतर सांप है अपन पकड़ून आणले, सर्प मित्रांनी पकड़ून आणल्यावर अपन त्याला इंजर्ड असल्या त्याचे त्यावर उपचार करून त्याला आपण नैसर्गिक अधिवासात आपण सोडण्यात येते। त्यानंतर सर्प मित्र यांना ओळखपत्र किंवा एखादा ड्रेस किंवा त्यांचे साहित्य असे शासनाकडून मिळायला पाहिजे। दिग्रस तहसील के सर्प मित्रों के पास तो पहचान पत्र तक नहीं है और न ही उन्हें सांप पकड़ने की जरूरी सामग्री प्रदान की गई है। ये बड़े अफसोस की बात है। अपनी समस्याओं के बारे में दिग्रस शहर में मोती नगर में रहने वाले नजीर खान ने भी सरकार और वन विभाग से आवश्यक मदद की गुहार लगाई है। ये हमने आर्मी रोड पर पकड़ा, घर में सांप था, इसमें कई सांप आते है, कोई विषारी सांप आते हैं, कोई बगैर विषारी आते हैं। हमने ऐसे बहुत सांप 100-150 सांप पकड़े, वन विभाग में जमा करे, पर अभी तक सरकार के और वन विभाग के तरफ से अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। इसके वजह से हम बार बार जाते हैं, सांप पकड़ते, लोगों के घरों में गरीब लोग रहते हैं, कैसे कोई मारना नहीं पाए सांपों को। इसके वजह से हम सांपों को पकड़ते हैं और ना किसी की जान जाए, ना सांप की ना इंसानों की जान जाए। इसको जब लोगों को घर में जाके सांप पकड़ते हैं। हमको सरकार के तरफ से और वन विभाग के तरफ से अभी तक कुछ नहीं मिला है, क्योंकि हम यही प्रार्थना करते हैं सरकार और वन विभाग से कि हमको प्रमाण पत्र और वो कोई औजार आर्थिक मदद दिला दे, हम उनसे यही विनती। बहरहाल सांप जो है वो कुदरत के जीवन चक्र में अहम योगदान देने वाला महत्वपूर्ण जीव है, जिसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है और उतना ही जरूरी है कि सांपों को जीवन दान देने वाले सर्प मित्रों को सरकार और वन विभाग की ओर से आवश्यक मदद मुहैया की जाए ताकि सांप प्रकृति और इंसानों के बीच का तालमेल साधने वाले सर्प मित्रों का जीवन भी सुरक्षित हो सके। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।